नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो बच्चों को मम्मीज स्तनपान कराती हैं और जो बोतल से बच्चे दूध पीते हैं, तो उनको बच्चों को दूध किस तरीके से उनको पिलाना चाहिए, बच्चे का जो दूध है वो पच जाए अच्छी तरीके से और बच्चे को उल्टी वगैरह ना हो। बहुत बार पेरेंट्स क्या होता है, मम्मीज जान नहीं पाती हैं और बच्चे को जैसे दूध बच्चा पी रहा है बोतल से है या अपना दूध पी रहा है, अब स्तनपान करा रही हैं तो बच्चे को उल्टी हो जाती है, तो मम्मी समझ नहीं पाती हैं कि मतलब हमारे बच्चे को उल्टी क्यों हो गई है। तो मैं वो दूध का पिलाने का तरीका आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे को ना कभी उल्टी होगी दूध पिलाने से और ना कभी किसी की शिकायत होगी। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे अपना स्तनपान कराते हैं बच्चे को, तो क्या करते हैं कि जैसे अपना स्तनपान खोल करके और बच्चे को कराने लगते हैं, तो ऐसा पेरेंट्स नहीं कराना चाहिए आपको। आपको देखना चाहिए कि हम बच्चे को किस तरीके से दूध पिला रहे हैं। जैसे ये है कि जैसे हम लोग साड़ी पहनते हैं या सलवार सूट पहनते हैं तो चुन्नी होती है, तो अपना अगर हम मिल्क पिला रहे हैं, अपना स्तनपान करा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे का आपका जो स्तनपान है वो दिखना नहीं चाहिए। और जो बच्चा है वो चुकुर चुकुर करके पीता है, वो बच्चे का भी माउथ जो है वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मतलब अपने को ही वो हो जाता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरीके से दूध पी रहा है और जो लोग बैठे हुए होते हैं उनकी भी नज़र पड़ जाती है, तो वो मतलब बच्चे को समझते हैं कि बच्चा इनका कितना देखो अच्छी तरीके से दूध पी रहा है और बच्चा कितना हष्ट-पुष्ट है। इसलिए पेरेंट्स दूध बच्चे को पिलाते समय आप अपनी चुन्नी से अपना स्तनपान और बच्चे का हल्का सा मुंह ढक लीजिए हल्के कपड़े से और तब आप बच्चे को दूध पिलाइए। और क्या करिए कि जैसे हम बैठे हुए होते हैं बच्चे को दूध पिलाते हुए होते हैं, तो थोड़ा सा अगर कोई बैठा है तो उसको इस तरीके से जैसे कि उससे के आप उसको पीछे उससे मुड़ करके बैठें कि वो बच्चे को आपके देख ना पाए। तो बच्चे को आड़ में, जैसे बोलते हैं कि आड़ में बच्चे को दूध पिलाया जाता है। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये रखना है कि जो हम बच्चे को स्तनपान कराते हैं, जो बच्चे का सिर है वो ऊपर की ओर थोड़ा सा इस तरीके से रहना चाहिए। जो नीचे का ये चीज़ है तो नीचे का चीज़ ऐसे ढलान में रहना चाहिए और बच्चे का सिर थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, जिससे बच्चे को दूध पचाने में मतलब दूध पचाने में बच्चे को वो नहीं होता है और बच्चा आसानी से दूध अपना पचा सकता है। अगर हम बच्चे का सिरहाना ऊँचा करके सिर ऊँचा करके बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो बच्चे को कभी नाक में दूध फंस सकता है, कभी नोज में दूध आ जाता है, तो उसमें बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमको थोड़ा सा बच्चे का सिर जो है ऊपर उठा करके अपना स्तनपान कराना है कि सीधे डायरेक्ट बच्चे का जो दूध बच्चा पी रहा है वो डायरेक्ट उसके पेट में दूध जाता है। और जो हम सभी लोग बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं, तो बोतल से भी दूध पिलाने में ये होता है कि हम लोग बोतल का क्या करते हैं कि बोतल हमारी खुली रहती है, तो बोतल जब बच्चे को हम दूध पिला रहे होते हैं तो जब हम और आप हैं तो कोई बात नहीं, जैसे और दूसरा कोई व्यक्ति होता है तो आप बच्चे को क्या करें कि बच्चे को पहली बार तो ढक करके जो बोतल का कवर है उसको कवर में डाल करके कवर से ढक करके अपने बच्चे को बोतल का दूध पिलाइए। इससे पेरेंट्स क्या होता है कि जब हम बोतल का कवर ढक लेते हैं बोतल से, तो उसमें दूध का पता नहीं चलता है कि बच्चे ने कितना दूध पी लिया और कितना खाली कर दिया है, बच्चे ने कितना दूध पी लिया है अगर हम उसको कवर से ढके हैं। अगर हम कवर से बच्चे को की बोतल को नहीं ढके हुए हैं तो दूध को पता चल जाता है कि बच्चे ने इतना दूध पी लिया है, तो उसमें भी बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है और दूध में भी नज़र लग जाती है बच्चों के कि देखो इनके बच्चे ने तो इतना दूध पी लिया है। इसलिए इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखें कि बच्चे को चाहे अपना स्तनपान हो चाहे बोतल से पिलाती हो, तो दोनों चीज़ों को ढक करके आड़ में बच्चे को दूध पिलाइए। पेरेंट्स बच्चे को दूध पिलाते हुए आप बोतल से भी दूध पिला रही हैं तब भी अपने बच्चे का सिरहाना थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा रखिए, और ये दोनों बोतल से और अपना स्तनपान कराने के बाद में बच्चे को इस तरीके से लेना है और कंधे से बच्चे को लगाना है, थोड़ा सा थपथपाना है कि ताकि बच्चे को दबाव आ जाए, तो बच्चे को ना कभी अपच की शिकायत होगी और बच्चे का जो पेट है पेट का डाइजेशन भी बच्चे का नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बच्चा अच्छी तरीके से सही तरीके से हम
अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो पेरेंट्स, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे और दूसरे भी अपने अच्छे तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रख सकें।